भारती झा मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज बात करूंगी शबीर भाटिया के बारे में। क्या आप जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए। शबीर भाटिया का जन्म 30 दिसंबर 1968 को पंजाब में हुए थे। उनके माता पिता काफी गरीब थे। शबीर भाटिया को पढ़ने लिखने में काफी अच्छा लगता था। वो पढ़ते भी थे, मन भी लगता था उनको। शबीर पंजाब यूनिवर्सिटी से भौतिक विज्ञान में एमएससी की और जॉब के लिए वो अमेरिका चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो उनको काफी पसंद आता है वो जगह। जब शबीर सिलिकॉन वैली में एप्पल कंप्यूटर पे काम कर रहे थे तो एक दिन उनके मन में ईमेल को लेके विचार आता है, जिसमें कोई भी ग्राहक अपना ईमेल अकाउंट किसी भी कंप्यूटर से खोल सकता है। शबीर अपने दोस्त जैक स्मिथ से बात करते हैं। यह एक नया आइडिया था। सबसे बड़ी बात यह थी, कस्टमर को कोई भी कंप्यूटर में अलग से कोई सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत नहीं थी। किसी भी वेब ब्राउजर वाले कंप्यूटर में ईमेल आराम से खोला जा सकता था। उस ईमेल का नाम पड़ता है हॉटमेल। हॉटमेल जब शुरू होती है तो 6 महीने में उनके ग्राहकों की संख्या 10 लाख हो जाती है। फिर 2 साल में 1 करोड़ ग्राहक बन जाते हैं उनके। कुछ दिनों बाद इंटरनेट और मेल अकाउंट के बारे में बिल गेट्स जानना चाहते हैं। बिल गेट्स शबीर भाटिया को कॉल लगाते हैं और बात करते हैं, और बिल गेट्स शबीर से बोलते हैं, मैं तुम्हारा हॉटमेल खरीदना चाहता हूँ। शबीर को काफी आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे? क्योंकि हॉटमेल के पास 1 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर बन चुके थे, लेकिन मुफ्त सेवा की वजह से शबीर को बहुत कम पैसे आते थे और खर्च ज्यादा था। बिल गेट्स का ऑफर मिलने तक शबीर ने लगभग $3 लाख तक डुबा चुके थे। ग्राहकों की संख्या बढ़ रही थी, साथ में हॉटमेल को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। आर्या के सामने बिल गेट्स का ऑफर आता है $16 करोड़ का। तब शबीर बोलते हैं, $70 करोड़ में मैं ये डील साइन कर सकता हूँ। बिल गेट्स भी कम नहीं थे, वो काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट है बिल गेट्स। उनका दिमाग काफी तेज चलता है। फिर उन्होंने एक दिमाग लगाया। बिल गेट्स ने $40 करोड़ उन्हें ऑफर करते हैं और बोलते हैं, ये डील आप साइन करो। और शबीर मान जाते हैं और ये डील साइन हो जाता है। शबीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं अपने मन की बात, मैं हमेशा कुछ नया सोचता हूँ, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं जानता था कोई रास्ता अगर है तो वो है एक नए आइडिया पे काम करना और उसे शिखर पे पहुँचाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।